मीनाक्षी है दिल्ली से, कह रही है कि हम अभी वृंदावन जा रहे थे, ट्रेन में लड्डू गोपाल की मूर्ति को हम टोकरी में ले गए और हमने 2.5 घंटे तक उस मूर्ति को बंद करके रखा जबकि हम खाना खा रहे थे। मेरी माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है मगर मुझे उनके बारे में बड़ा बुरा लग रहा था, क्या हमें लड्डू गोपाल को आजाद कर देना चाहिए? देखिए जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करती है बड़ी विचित्र होती है। इस लड्डू गोपाल में इन्हें अपना बेटा नजर आ रहा है। अब फिर आप सोचिए अगर लड्डू गोपाल आपका बेटा है तो उस बेटे को आप डब्बे में कैसे बंद कर सकते हैं? आप अपने स्वयं के बेटे को डब्बे में बंद कर सकते हैं 3 घंटे के लिए? आप बताइए। फिर ये कहती है कि नहीं ये तो मेरा बेटा है, उसको खिलाएंगी भी उसको पिलाएंगी भी, तो फिर शौच क्यों नहीं करवा रही हैं? क्योंकि आप अपने बेटे को अगर खिलाती हैं पिलाती हैं तो वो शौच भी तो करते हैं। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं शौच थोड़ी करेंगे, तो भगवान है। तो जब ये भगवान है, अगर मूर्ति में भगवान दिख रहा है आपको, मूर्ति में आपको बेटा दिख रहा है, मूर्ति में आपको पति दिख रहा है, तो साक्षात पति में क्यों नहीं दिख रहे हैं फिर आपको भगवान? आप समझाइए ना, साक्षात आपके बेटे में आपको भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो ये महिलाएं बड़ी विचित्र, आपका बेटा तो टोकरी में बंद है और आप छोले भटूरे खा रही हैं, बेटा बंद है और आपका मन छोले भटूरे में कैसे लग रहा है? समझाइए जरा मुझे इस चीज को। फिर अगर आप उसको बेटा मान रहे हैं तो फिर शौच भी कराइए, शौच थोड़ी कराएंगे, क्योंकि आपको लगता है तो मूर्ति है ये तो भगवान है, तो फिर मूर्ति भी मान रही है, भगवान भी मान रही है, बेटा भी मान रही है, तो तीनों चीज एक साथ तो नहीं हो पाएंगी। तो आपका भाव ही नहीं है, आप भक्त बन गए, क्योंकि भक्त जब बनेंगे तो ईश्वर स्वयं चल के आएंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहते हैं मैं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुट के मणि। आप भक्त तो बनिए, दिखावा मत करिए।